हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज का टॉपिक रहेगा फेमस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस ऑफ ऑल टाइम्स। तो ये जो भी म्यूजिशियंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ म्यूजिशियंस के बारे में, देन उसके बाद हम इसके ऊपर MCQs देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की। ही वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन हु प्लेड द शहनाई। तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं ये? शहनाई के साथ। पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि बिस्मिल्ला खान किसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये क्या बजाते थे? शहनाई, अ टाइप ऑफ वुड विंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? वुड विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इनको की बात की जाए तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था कब? 2001 में, ठीक है। और यही थे जिन्होंने इसको फेमस किया था, शहनाई को, तो इसलिए इन्हें नाम दिया गया है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ठीक है। तो उसका टाइटल इन्हें ये दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा की। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये बजाते हैं संतूर, ठीक है। तो ये कौन है? शिव कुमार शर्मा। कौन से इंस्ट्रूमेंट करते हैं ये प्ले? संतूर। ही इज़ क्रेडिटेड फॉर पॉपुलराइजिंग द संतूर वर्ल्ड वाइड। ही वॉज अवॉर्डेड। तो इन्हें कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1986 में। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है 1991 में एंड पद्म भूषण भी दिया गया है 2001 में। पेपर में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वे सिर्फ यही बनेंगे कि ये जो शिव कुमार शर्मा जी हैं ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो अगर ये वैसे बहुत रेयरली पूछते हैं कि हाँ ये इन्हें कौन सा अवार्ड कब दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित रविशंकर जी की। तो ये हैं आपके इंडियन म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद प्लेइंग सितार। तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं ये? सितार के साथ। ही वॉज म्यूजिक कंपोजर एंड द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। तो पेपर में पूछा जा सकता है हु फाउंडेड नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, तो वे हैं पंडित रविशंकर, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर। तो इन्हें दिया गया था भारत रत्न कब? 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हरिप्रसाद चौरसिया। ये हैं आपके इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड वन ऑफ द ग्रेट क्लासिकल फ्लॉटिस्ट हु प्ले द फ्लूट, ठीक है। तो फ्लॉटिस्ट किसे बोलते हैं? जो फ्लूट बजाते हैं, ठीक है, इन हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन। इन्हें क्या दिया गया था, किस अवार्ड से नवाजा गया है इन्हें? पद्म भूषण के साथ 1992 में और पद्म विभूषण के साथ 2000 में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रहता है भारत रत्न, फिर आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण एंड देन आता है आपका पद्मश्री। नेक्स्ट बात करते हैं जाकिर हुसैन जी की। तो ये हैं इंडियन तबला प्लेयर, कंपोजर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ तबला प्लेयर अल्ला रखा, ठीक है। तो ये किसके बेटे हैं? अल्ला रखा के, और ये सबसे बड़े बेटे हैं उनके। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1988 एंड पद्म भूषण इन 2002। तो ये मैंने एक लिस्ट डाली है, इसे आप एक बार देख लेना। इसमें मैंने इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं एक साइड और दूसरी साइड है आपके फेमस म्यूजिशियंस, ठीक है। जैसे कि फ्लूट किसके साथ एसोसिएटेड है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ठीक है। तबला हो गया जाकिर हुसैन, जो आपके इम्पॉर्टेंट है वह देख लेना, ठीक है। और जैसे अगर सरंगी, तो किसके कौन कौन बजाता है? शकूर खान, पंडित राम नारायण, संतूर हमने किया था ना, शिव कुमार शर्मा, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे आ गया आपका सरोद, अलाउद्दीन खान, ठीक है, अली अकबर खान, सितार हमने किया है पंडित रविशंकर, फिर शहनाई बिस्मिल्ला खान, मृदंगम केवी प्रसाद, सेवी राजराव। तो ये एक बार ना लिस्ट गो थ्रू कर लेना। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ला रखा खान इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है ये क्या बजा रहे हैं, तबला, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ 6 स्ट्रिंग्स। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको जिसके अंदर 6 तार देखने को मिलती हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ गिटार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ जाकिर हुसैन एसोसिएटेड। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो ये कौन सा है यंत्र? तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंट तबला। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरविंद पारिक इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो अरविंद पारिक है ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इसमें पूछा गया है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये क्या बजा रहे हैं? तो ये इसे बोलते हैं हम फ्लूट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अली अकबर खान इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो अली अकबर खान है ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं? तो देखिए, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये है सरोद। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अच्छा, पेपर में ना आपसे अक्सर पूछ लिया करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा सरोद प्लेयर अली अकबर खान वॉज रिलेटेड टू, तो ये पूछ लेंगे कि जो सरोद प्लेयर हैं अली अकबर खान ये किसके साथ रिलेटेड हैं। ऑप्शन में जैसे आपको दे देंगे वो अलीगढ़ घराना, अलाहाबाद घराना, जयपुर घराना एंड मेहर घराना, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये आपको, ये हैं आपके मेहर घराना से, ठीक है। तो ये हैं आपके स्पेलिंग MAIHAR घराना, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया है। तो अली अकबर खान जी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1967 में, पद्म विभूषण दिया गया है 1989 में। इनको मिला था मैक आर्थर, तो ये देखिए स्पेलिंग क्या है, मैक आर्थर फेलोशिप, ठीक है। तो इन्हें ये फेलोशिप दी गई थी कब? 1991 में। और ये पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने इसे रिसीव किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीर खुसरो एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इन्होंने कौन सी यंत्र का आविष्कार किया था? तो किसका किया था इन्होंने? तो देखिए, इन्होंने सितार का भी इन्वेंशन किया था और इन्होंने तबला का भी इन्वेंशन किया था। तो पेपर में आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे आपको दो दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हो सकता है, तो आपसे एक ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने इन दोनों का ही इन्वेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन? तो इसमें से कौन सा जो आपका वाद्य यंत्र है वह आपका भारत के साथ एसोसिएटेड है, मतलब जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। तो कौन सा है इसमें से वो? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज फ्लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमजद अली खान इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो जो अमजद अली खान है ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन सा यंत्र, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखा है इन्होंने? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज सरोद, ठीक है। अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद प्लेयर हैं, ठीक है, इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर हैं, और इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2001 में। इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बजाना किससे सीखा था? तो इन्होंने ये सीखा था अपने फादर से, जिनका नाम था हाफिज़ अली खान, ठीक है। और वो कौन थे? वो थे कोर्ट म्यूजिशियन इन ग्वालियर, ठीक है। और जो सरोद है इसका, ये कहाँ से आया है वर्ड? तो ये आपका पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? मेलेडी। सरोद का मीनिंग क्या होता है? मेलेडी। और ये है आपका पर्शियन वर्ड, पर्शियन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MS गोपाल कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज वॉलिन। तो ये बजाते थे, ये हैं वायलिनिस्ट, और ये वायलिन बजाते थे, और ये हैं, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? मद्रास म्यूजिक अकेडमी संगीत कला निधि इन 1997। फिर इन्हें दिया गया है पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत कला निधि, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो इन सभी अवार्ड्स के साथ इन्हें नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिस्मिल्ला खान इज़ फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो किसके साथ एसोसिएटेड है बिस्मिल्ला खान? तो जैसे कि ये बजा रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, तो इसका नाम है शहनाई। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो अक्सर जो बिस्मिल्ला खान से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा गया है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसे ज़रूर याद रखना।
उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की बात करें तो इनका रियल नेम क्या था, तो इनका रियल नेम था कमरुद्दीन खान। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं इसके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये भी पूछा गया है। जो आपका ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी हैं, इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स दिया गया था जो कि है भारत रत्न, कौन से ईयर में, 2001 में। ये थर्ड पर्सन थे जिन्हें कि इस भारत रत्न से नवाजा गया था। जो पहले दो थे वे कौन थे, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले दो कौन थे, पहली थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, और सेकंड कौन थे, तो वे थे आपके रविशंकर, और थर्ड पर्सन ये थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो इनका 102nd बर्थ एनिवर्सरी थी तब इनको ऑनर किया गया था गूगल के द्वारा, इनके गूगल डूडल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं ये, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सितार, ठीक है। ही वॉज एन इंडियन सितार वर्चुअस एंड कंपोजर भी थे ये। ये वर्ल्ड में बेस्ट नोन एक्सपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, मतलब जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, और नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, ठीक है। रविशंकर जी को इंडिया का हाईएस्ट जो अवार्ड होता है जो कि भारत रत्न है, ये दिया गया था 1999 में। इनको 3 ग्रैमी अवार्ड भी दिए गए हैं, ठीक है। अक्सर पेपर में पूछा गया है कि जो ग्रैमी अवार्ड है ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो ये इसी फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, और किन्हें, इनको कितनी बार दिए गए हैं, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आप इनके कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच भारत रत्न अवार्डी वॉज फेमस कार्नेटिक क्लासिक वोकलिस्ट, तो क्या नाम है इनका, तो जैसे कि इनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, तो क्या नाम है इनका, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये पहली लेडी हैं और ये फर्स्ट पर्सन हैं जिन्हें, मतलब जो म्यूज़िक के फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, जिन्हें जो इन्हें भारत रत्न के साथ सम्मानित किया गया है। जो ये आपके एमएस सुब्बुलक्ष्मी हैं, ये कार्नेटिक सिंगर हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, तो ये हैं आपकी मदुरई से, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, और ये प्लेस है आपकी तमिलनाडु में। शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, जो आपका भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का, ठीक है। इसे इंस्टीट्यूट किया गया था कौन से ईयर में, ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है बहुत बार, तो ये याद रखना ईयर, ये 1954 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुद्दुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ मृदंगम, ठीक है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो देखिए, ये हमने सारी लिस्ट देख ली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनमें जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो भी याद रखना, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसके साथ आपको जो मैंने लिस्ट बताई है इसे ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे फ्लूट में आपको पता है हरिप्रसाद चौरसिया पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जाकिर हुसैन, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, वैसे आप एक बार ये सारी लिस्ट देख लेना, लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे यहाँ से आ गया आपका पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। फिर आ जाओ आप आगे यहाँ पे सरोद में, तो ये देखिए, ये है आपके अमजद अली खान। सितार में पंडित रविशंकर, ठीक है, शहनाई बिस्मिल्ला खान। फिर आ गया मृदंगम, अभी हमने देखा ना इसमें, तो देखिए ये सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको 15 क्वेश्चंस एंड में करवाए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर आपका आ गया वीणा, फिर आ गया आपका वायलिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।